मदद किया मुझे भाई लोगों ने, बहुत अच्छा लगा, बहुत हेल्पफुल पीपल है यहाँ का। और अभी यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से 20 किलोमीटर होगा एंड उत्तरा डिस्ट्रिक्ट एंटर करने वाला हूँ। अभी मिलते हैं कभी फिर से। तो यहाँ से लगभग मुझे 12 किलोमीटर का लिफ्ट मिला था एंड फिलहाल यहाँ से मैं कोशिश करूँगा, और ज़्यादा दूर नहीं, 23 किलोमीटर से अकॉर्डिंग टू गूगल मैप, एंड देखते हैं क्या होता है। इधर फिलहाल मैं कोशिश करूँगा हिचहाइकिंग करने के लिए। 3:15 हो गया अभी, तो मुझे डायरेक्ट चाहिए उधर तक, ग्वालपारा तक चाहिए। एंड इधर दीदी का घर में स्टे करूँगा 1 night एंड फिलहाल नेक्स्ट डे यहाँ से निकल जाऊँगा। तो वो लोग नहीं दे सकता फिलहाल, देखते और कोशिश करेंगे, अगर मिला तो सही। हाँ श्योर, मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा मैंने बहुत जाए सर। ठीक है, तो वो लोग नहीं दिया फिलहाल, देखते हैं। और लगभग 12 किलोमीटर मुझे चाहिए लिफ्ट, तो देख तक लिफ्ट मिला ही नहीं। दादा मत अच्छा रहा तो फटक से मिल जाता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ एक नोटिस का एक सीरीज बना दूंगा, आप लोग प्लीज कृपया करके थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना। हेलो भैया, आपका नाम बता दीजिए भैया। शाहजहान अली। शाहजहान अली है भैया का नाम। वैसे आप कितने किलोमीटर लिफ्ट दोगे? 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर का लिफ्ट देगा भैया। थैंक यू सो मच भैया लिफ्ट के लिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना भैया के लिए, लाइक कर देना एक जरूर सभी लोग। चैनल का नाम क्या है? ब्लॉगर विश्वजीत। फिलहाल देखते हैं कुछ खा लेते हैं, इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। लगभग टाइम हो गया, बस 4 बजने वाला है, देखते हैं क्या मिलता है उधर खाने के लिए। डोसा वोसा अगर मिल गया तो ठीक है। भैया खाने में क्या है? खाने में गोभी नहीं है। और ये भैया की दुकान है, तो इधर भाई लोग खा रहे हैं कुछ, अभी नहीं कर ट्राई करेंगे। टेस्ट बहुत है, पहले खा लेता हूँ इसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो पॉसिबल है ब्रो, कहाँ तक जाओगे? लिफ्ट दे सकते हो? कोशिश जारी रहेगी, स्टे ट्यून गाइस। लगभग 1.5 किलोमीटर में पैदल आया इधर से, देखते हैं क्या सीन होता है। लोग बहुत घूर घूर के देखता है यार ऐसे वीडियो बनाने पे। क्या ही कोशिश करेंगे लिफ्ट मिल जाए जल्दी, क्योंकि शाम होने वाला है। तो भैया ने लिफ्ट दे दिया। क्या नाम है भैया आपका? हाफिजुर रहमान। की खबर अपना? खबर भाल। तो भैया का अगर कुछ काम है तो भैया यहाँ तक भी लिफ्ट दिया, तो मैं आगे जाता हूँ। इधर मेन टाउन है, थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है इधर लिफ्ट मिलना। करेंगे कि जल्दी से जल्द मुझे लिफ्ट मिल जाए, क्योंकि शाम होने वाला है, थोड़ा गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। इधर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मेन हाईवे है ना ये, तो देखिए सर लिफ्ट दे सकते हो? आप कहाँ तक जाओगे? कितने किलोमीटर? ओके थैंक यू, मैं जा सकता हूँ ना? तो भैया मिल गया मुझे। तो भैया आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम इश्ताक अहमद है। भैया को मिल गया आपको, मतलब भैया से मिल गया। कहाँ से आ रहे हो? मैं बक्सा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय। वो मुझे यहाँ तक लिफ्ट मिल गया लगभग 1 किलोमीटर श्री श्री दुर्गा मंदिर, तो मैं इधर दुर्गा मंदिर के पास हूँ अभी। एक्सक्यूज मी भैया, कहाँ जाओगे आप? लिफ्ट दे सकते हो? ओके ओके थैंक यू। तो भैया से पूछा था लिफ्ट के लिए, वो ना बोल दिया, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, और फिर कोशिश करेंगे भाई। ये तो जारी रहेगा मेरा, देखते हैं क्या होता है। मेन रोड है ना, थोड़ा क्या बोलता है, लिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो देखते हैं नेक्स्ट लिफ्ट कहाँ मिलता है। फिलहाल कार में लिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत कम ही मिलता है कार में, कोशिश करके देखते हैं। लोग भीड़ है, बाइक मिल जाता तो अच्छा है। मेन टाउन है ना, मेन हाईवे है, इसके थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लिफ्ट दे सके भैया? नहीं यार, फिर से कोशिश करना पड़ेगा। बाइक वो ये कार ज़्यादा तो रुकता नहीं है, बाइक से ही मुझे मिला फिलहाल, तो देखते हैं क्या सीन होता है। बस इधर इधर पैदल चलना है एंड उसके बाद अगर हो सका तो लिफ्ट लेना है, जो भी हो कोशिश करेंगे।
अच्छा इधर मेन टाउन है ना, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। बस वही ब्रो लिफ्ट दे सकते हो? थोड़ा मुश्किल है मुझे इधर, इस भीड़ से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा तभी शायद लिफ्ट मिलेगा। फिलहाल तो नामुमकिन है इधर। और इतना धूप बोलो ही मत, कतई जहर वाला, मतलब कंट्रोल ही नहीं होता यार इतना धूप है। कोशिश करके देखते हैं रुकता है कि नहीं। आओ नहीं रुकता है यार, क्या ही बोले। बस अभी फिलहाल 1-2 किलोमीटर आगे जाऊंगा, इसके बाद कोशिश करूंगा, क्योंकि इधर थोड़ा बहुत भीड़ है तो इधर गाड़ी रुकता नहीं। ग्वालपरा यहाँ से 16 किलोमीटर है। भैया लिख दे सकते हो? तो गाइस भैया मिल गया मुझे, तो नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम साबित। साबित है, ओके। तो फिलहाल अभी और ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर था। अरे भाई कितने किलोमीटर दोगे मुझे लिस्ट? लगभग 12 किलोमीटर होगा। 12 किलोमीटर देगा भैया। ओके थैंक यू सो मच भैया। तमुलपुर प्राइस बक्सर डिस्ट्रिक्ट। नरनारायण हेतु इस ब्रिज का नाम। इधर आप लोग व्यू देख सकते हो, मस्त सा व्यू है इधर। इस रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र। इधर बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट है और उधर ग्वालपरा डिस्ट्रिक्ट है। हाँ हाँ हाँ, ये क्या बॉर्डर है? हाँ बॉर्डर है, डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है। हाँ हाँ, मेघालय का है। हाँ फाइनली सोलमारी पहुंच गया हूँ। अभी फिलहाल आगिया तक जाना है, डीडी के अगर आगिया से ज़्यादा दूर नहीं है। क्यों उसमें लिफ्ट दे सकते हो? या नहीं माना तो देखेंगे, कोशिश करते रहेंगे। और आगे है एंड और लगभग 4 किलोमीटर से यहाँ से। कलो के जाबो दादा, कलो के जाबो, रुको रुको। यहाँ से मतलब रिक्शा ले लिया मैंने, क्योंकि और मतलब शाम होने वाला है, इसके लिए हिचहाइक नहीं करूँगा और यहाँ से आगे जाऊँगा। आगे से और लगभग 4 या 5 किलोमीटर से जाना पड़ेगा, उधर जाके मिलते हैं आप लोगों से। The next day. उधर है इधर मतलब मीट मार्केट। मीट मार्केट हमने इधर मीट ले लिया। पॉक एंड फिलहाल अभी यहाँ से जाएंगे हम लोग, सुबह से शायद इधर मीट मिलता है, हम लोग अभी जाएंगे यहाँ से। जैसे इधर कुछ लेने के लिए गया है फिलहाल, हम लोग अभी इधर जाएंगे आसाम एंड मेघालय, इधर पास में ही बॉर्डर। मतलब आप लोगों को मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक से, फिलहाल जाते हैं पहले लोकेशन पे। इस एरिया को बोलता है रोनसाई, और ये है रोनसाई बाजार। अभी तो ये मेघालय है और ये आसाम है, उसे आप देख सकते हो। रबर का बहुत सारा खेत मिल जाएगा आप लोगों को। नशे पते इधर देख सकते हो, इस साइड मेघालय है। बहुत ही अच्छा सा मतलब नजारा है इधर। Oh,
मेघालय जाता है एंड इधर आसाम मतलब लखीमपुर ऐसे कुछ जाता है। तो हम लोग अभी जितना थोड़ा बहुत इधर जाके देखेंगे। फुलबारी मानिकासर जाता है ये रोड। तो इधर का व्यू देखो ऐसा है। तो हम लोग अभी घर पहुंच चुका हूँ। अभी मेरा पैर में थोड़ा दर्द होने लगा है। अभी देख सकते हो महिलाओं, देख सकते हो हमारा बहुत शर्माता है ये। अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ पैर में क्या हुआ है मेरा। और जैसे कि ये पहाड़ चढ़ा तुम्हारे लिए शायद ये सिर्फ ट्रैकिंग है। वो ट्रैवल कर पाऊंगा कि नहीं तो बहुत दिक्कत होता है ऐसा होने पर। जी की दुकान में मतलब आया हूँ थोड़ा बहुत ऐसे ही घूमने। डीजी से अभी तक मिलाया नहीं तो हम लोगों को मिला दूंगा। हो गया ना। तो पैर में थोड़ा दर्द है। सोच रहा हूँ कि घर के लिए चला जाओ 2 या 3 दिन के लिए। फिलहाल मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर जाऊंगा शायद, क्योंकि हेल्थ के इशू है थोड़ा बहुत। 2 या 3 दिन के लिए जाऊंगा, इसके बाद थोड़ा बहुत दवाई लूंगा, इसके बाद ट्राई करूंगा नेक्स्ट ट्रिप के लिए। फिलहाल मतलब दुकान से मतलब अभी जाने वाला हूँ घर खाना खाने, इसके बाद मैं निकलूँगा घर के लिए। और क्योंकि मुझे अभी घर जाना है 2 या 3 दिन के लिए मैं घर जाऊंगा। फिलहाल अभी चलते हैं एंड मिलते हैं उधर जाके। तो गाइस अभी रूम पे फाइनली पहुंच गया हूँ जीजा जी के साथ। एंड जीजी है इधर, हाय बोल दीजिए। तो पता होगा मतलब व्यूअर्स को समथिंग किसी किसी को शायद पता होगा, यूट्यूब पे हम लोग मतलब मिले थे एक समय पे, मतलब दूसरे के सपोर्ट करते हुए मतलब हम मिले थे दीदी के साथ। और अच्छी है भाई, सपोर्ट करना। अभी हम मैं दीदी के घर पे हूँ ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट एंड यहाँ का रोनसाई पे हूँ अभी फिलहाल। एंड मैं दीदी का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आप लोग जरूर चेकआउट करना एंड सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। तो फिलहाल मैं अभी निकल रहा हूँ इधर से दीदी के घर से। एंड मुझे ये आरोना बोलता है वो, ये हमारा बोरो ट्रेडिशनल है। जीजा जी को भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये हाय बोल दीजिए। मैं जाऊंगा जीजा जी के साथ एंड प्रोटीन दूंगा। फिलहाल मैं शूज नहीं पहनूंगा और क्योंकि मेरे पैर में जो स्क्रैच मतलब हो गया है तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए मैं ये आगे वाला ट्रैवलिंग नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ।